स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल का। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले कि जो आधार से UPI पिन बनाने का ऑप्शन था वो कब तक आएगा, जिसकी जो डेडलाइन है वो शायद पूरी हो गई है। अब देखिए वो नई आपको बता दें कि 30 जुलाई लास्ट था 30 जून लास्ट था UPI जो है आधार से बनाने वाला ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन 30 तारीख लास्ट थी। ठीक, अब देखिए कब तक ये ऑप्शन आ जाएगा, हम वेट करेंगे। ठीक, कई बैंकों के अंदर ये ऑप्शन आ चुके हैं। अब वो बैंक का आपको मैं बता देता हूँ, वो बैंक है सी लेटर से, जो भी बैंक शुरू हो रही है उनका है सी लेटर। सी लेटर में कौन कौन सी बैंक है, वो है कैनरा बैंक, सबसे पहले आया कैनरा बैंक के अंदर। कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक है, बहुत सारी बैंक है उसमें है। फिर इंडसइंड बैंक के अंदर है इंडसइंड बैंक, इस बैंक के अंदर भी UPI का ऑप्शन नज़र आ रहा है। लेकिन एक इशू आ रहा है, उसके अंदर आधार लिंक का इशू आ रहा है और ये इशू शायद आपको भी फेस करना पड़ा होगा। और यहाँ पे कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, दो बैंक है तो यहाँ पर प्रॉपर नज़र आ रही है। अब दिखाता हूँ मैं इंडसइंड बैंक एप्लीकेशन के अंदर जाके, भीम UPI एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर आ चुका हूँ। भीम एप्लीकेशन के अंदर ऊपर की साइड बैंक आ जाती है और इंडसइंड बैंक यहाँ पे नज़र आ रही होगी। मैं फॉरगेट ही करूँगा, मेरे पहले से ही एग्जिस्ट है UPI पिन, इसको फॉरगेट करूँगा। जैसे फॉरगेट करता हूँ दो ऑप्शन आ जाता है, एक डेबिट कार्ड एक आधार कार्ड। अब देखिए यहाँ पे इशू कब आता है, जब आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होता है दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे हमने आधार कार्ड के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पे आधार कार्ड के ऊपर क्लिक कर दिया, प्लस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या हमें आई बटन क्या दे रखा है, काइंडली प्रोसेस ओनली इफ़ यू हैव द सेम मोबाइल नंबर रजिस्टर विद बैंक एंड आधार कार्ड टू सेटअप योर UPI पिन आर भीम ऑन भीम। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि ये जो है मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर होना चाहिए सेम बैंक के साथ, आधार नंबर होना चाहिए आधार के साथ, मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पे प्रोसेस पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक और इंडिकेशन कर रहा है, आई हार्डली गिव टू माई कॉन्सेंट। तो यहाँ पे आपको एग्री करना है ये सब कुछ और प्रोसेस करना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट जैसे करेंगे तो एक इशू हमारे यहाँ पे आ रहा है, आधार नंबर इज़ नॉट लिंक। ये इशू शायद क्यों आ रहा है ये पता नहीं है, लेकिन जैसे डेबिट कार्ड ऊपर करते हैं तो ये प्रोसेस हो जाता है। और यहाँ पे सीधा आपको 6 डिजिट का है डेबिट कार्ड डालने का, कहता है एक मास्टर कार्ड है तो मास्टर कार्ड आप डाल सकते हैं। अब देखिए सीधा का सीधा ये OTP आ गया। अब देखिए डेबिट कार्ड नंबर यहाँ पे डालना ज़रूरी है। देखिए यदि आपके पास मास्टर कार्ड है, अब जिस चीज़ में डेबिट कार्ड नंबर डाल दिया, अब प्रोसेस कर दिया, अब लास्ट वैलिड अंक डालना है तो ये भीम एप्लीकेशन के अंदर है। बाकी यहाँ पे किसी भी बैंक के अंदर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आया है। SBI के अंदर भी हम दिखा देते हैं आपको, SBI के अंदर भी कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। एक यहाँ पे एक चीज़ सही बात है, आपके पास मास्टर कार्ड है तो आप मास्टर कार्ड से जैसे है फ़ोनपे में नहीं बना सकते पिन, तो ऐसा है मास्टर कार्ड है आपके पास तो आप मास्टर कार्ड पर क्लिक करके ओनली 6 डिजिट आपको डालना है और यहाँ पे वैलिड डेट कुछ नहीं मांगेगा तो आपको सीधा UPI पिन बन जाएगा SBI का। और यहाँ पे बड़ौदा बैंक की भी बात कर लेते हैं, बड़ौदा बैंक में भी कोई ऑप्शन नहीं आया, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर भी कोई ऑप्शन देखने को हमें नहीं मिल रहा है। और भी बैंक मेरे पास है, यहाँ पे इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके ऊपर भी कोई भी हमें ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के बाद में एल्डर पेमेंट्स बैंक की बात कर लेते हैं, एल्डर पेमेंट बैंक के अंदर भी कोई भी ऐसा ऑप्शन देखने को हमें नहीं मिल रहा है। और भी बैंक की मैं बात कर लूँगा आपको, एक्सिस बैंक की बात कर ले। अब देखिए यहाँ पे एक्सिस बैंक का पता कर ले, एक्सिस बैंक की जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। हो क्या गया कि UPI ने यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन तो दे दिए होंगे कि हम ये ऑप्शन ला रहे हैं, लेकिन ऑप्शन कहाँ ये अटक गया। अब देखिए कौन फॉलो नहीं कर रहा है ऑप्शन को, मैं आपको दिखाता हूँ कौन इसको फॉलो नहीं कर रहा है। फॉलो एक बात तो फ़ोनपे एप्लीकेशन हो या गूगल पे एप्लीकेशन हो, इनके अंदर भी ऑप्शन नहीं आया है और ना ही पेटीएम के अंदर ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो ये वहाँ पे क्यों नहीं देखने को मिल रहा है ऑप्शन। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे पहले क्यों आ रहा है, वहाँ पे क्यों एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने अभी तक, तो कितना टाइम लगेगा। कई कह रहे हैं 15 जुलाई लास्ट है, 15 जुलाई के तक आ जाएगा ये ऑप्शन, तो वो कहाँ जाएगी नई डेडलाइन 15 जुलाई कह रहे हैं, लेकिन 15 जुलाई तक भी मुझे कोई ऑप्शन नहीं है। UPI ने भी कह दिया यहाँ पे किसी अभी तक कोई सूचना नहीं है, कोई नोटिफिकेशन उन्होंने जारी नहीं किया है। अब देखिए जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है NPCI जो भी है डिपार्टमेंट उससे, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक कोई भी हम किसी भी मुद्दे पे नहीं पहुँच सकते कि कब तक ये ऑप्शन लाया जाएगा। लेकिन ऑप्शन ज़रूर लाया जाएगा, कुछ बैंकों के अंदर ही ऑप्शन आ गया है तो सभी बैंकों के अंदर ही ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही, जब भी ऑप्शन आ जाएगा सभी बैंकों के अंदर, स्टेट बैंक है, ये बहुत बड़ी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, इनके अंदर सभी के अंदर ऑप्शन आ जाएगा तब मैं वीडियो बना दूंगा, सबसे पहले वीडियो इस चैनल पर आएगी। थैंक यू।